Hello everyone, with another video on prepositions association with nouns, I welcome you all from the bottom of my heart. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको prepositions की association nouns के साथ further elaborate करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से prepositions जो के nouns के बाद में इस्तेमाल होती हैं उनके मुतल्लक बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी प्रपोजिशंस हैं और उनका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने मैं जो फर्स्ट काइंड ऑफ प्रपोजिशंस हैं वो रखता हूँ जिनको हम नाउंस के बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम दो मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, मतलब ये कि एक ही नाउन होता है मगर उसके बाद में प्रपोजिशन बदल के आती है। तो इस तरह से हम कुछ सर्टन नाउन जो है वो ऐसे डिस्कस करेंगे जिनके बाद में दो मुख्तलिफ तरह की प्रपोजिशंस इस्तेमाल में आती हैं। तो यहाँ गौर करें एग्जांपल्स के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल जो कि हमारी नाउन प्लस विद के साथ होगी, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनके बाद में हम विद इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ मैंने वही नाउन जो है वो उसका एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके बाद में हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनको एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं कि वो कौन से नाउन्स हैं जो कि एक सिचुएशन में अपने बाद में विद लेते हैं और दूसरी सिचुएशन में अपने बाद में बिटवीन को लेते हैं। तो यहाँ एग्जांपल्स की मदद से हम इनको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई फाउंड इट्स कनेक्शन विद अनदर क्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक नाउन है कनेक्शन, इसके बाद में हम विद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक चीज़ का कनेक्शन किसी दूसरी चीज़ के साथ हो रहा है। अब दूसरी तरफ जब हमने बिटवीन उसी नाउन के लिए लगाना है, यानी कि इस कनेक्शन के लिए बिटवीन लगाना है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उन दो चीज़ों के दरमियान में एक ताल्लुक पैदा होने की सिचुएशन जाहिर होती है। तो वहाँ पर एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ के साथ बनता है, और यहाँ पर बिटवीन जब लगाते हैं तो दो चीज़ों के दरमियान में जो ताल्लुक है उसको हम जाहिर करते हैं। तो जब दरमियान का जिक्र होगा तो फिर हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, जब एक चीज़ का जिक्र दूसरी चीज़ के साथ करेंगे तो फिर हम विद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखें, देयर अ कनेक्शन बिटवीन द टू क्राइम्स। तो लिहाजा ये दो क्राइम्स हैं तो उनके दरमियान में ताल्लुक कनेक्शन के ज़रिए से जाहिर हुआ, और उस वक्त हम कनेक्शन के बाद में बिटवीन को इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर एक चीज़ का ताल्लुक जो है दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक बना, तो उस वक्त हमने विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल की। एक और नाउन जो हमारे सामने आता है, दैट इज़ रिलेशनशिप। तो इसके बाद में यहाँ पर हम विद का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिर्ज़ाज रिलेशनशिप विद साहिबा वॉज स्ट्रेंज। तो यहाँ पर आप देखें कि मिर्ज़ा का ताल्लुक जो साहिबा है उसके साथ ये शो हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर विद लगाया। तो अब यहाँ पर देखें आप, मिर्ज़ा और साहिबा के दरमियान का जिक्र होगा कि उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप था, तो लिहाजा हम कहेंगे देयर वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन मिर्ज़ा एंड साहिबा। तो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप के बाद में बिटवीन का इस्तेमाल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट नाउन जो आता है इसी कैटेगरी का, दैट इज कंट्रास्ट। यहाँ पर कंट्रास्ट के बाद में हम विद का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर कंट्रास्ट या डिफरेंस एक नाउन दूसरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद में बिटवीन को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको देखें, द कंट्रास्ट विद यस्टरडेज वेदर इज क्वाइट क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा कि कल का जो मौसम है उसके साथ जो है वो एक फर्क को जाहिर किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर देखें द कंट्रास्ट और डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी इज क्वाइट क्लियर। तो यहाँ पर हमने विलेज और सिटी के दरमियान में जो कंट्रास्ट या डिफरेंस है उसको वाज़े किया, इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन की प्रपोजिशन इस्तेमाल की। अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ की जो इंक्रीज़ है या राइज़ है उसके हवाले से बात करते हैं, या उसी
चीज की रिडक्शन या फॉल के हवाले से जिक्र करते हैं। तो उस वक्त हम जब कभी भी किसी चीज का इजाफा हो यानी कि इंक्रीज का मीनिंग हो या राइज का मीनिंग हो तो फिर हम उनके लिए इन इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन। और इसी तरह से जब कभी किसी चीज के अंदर रिडक्शन हो या उसकी कीमत में कमी हो या उसकी कीमत नीचे गिरती हो यानी कि फॉल हो उसके अंदर, तो फिर भी हम इन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम इन को भी देख लेते हैं कि ये नाउन जो है वो किस तरह से हमने इन के साथ इस्तेमाल करने हैं। और जब अगर कोई चीज़ जितनी मिकदार में वो बढ़ रही हो या घट रही हो यानी कि डिक्रीज आ रहा हो या उसके अंदर जो है रिडक्शन आ रही हो, तो उस वक्त हम उस अमाउंट से पहले ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर तो डिक्रीज या जो इंक्रीज का वर्ड है नाउन के तौर पर उसके बाद में हम फिर ऑफ इस्तेमाल करते हैं, तो आगे फिर हमें वो मिकदार या अमाउंट मिलती है उस चीज़ की जितनी उसके अंदर कमी या उसके अंदर जो है वो जो हमने इजाफा देखा है। तो यहाँ पर हम इनको एग्जांपल्स की मदद से जान लेते हैं। There's an increase or rise in the price. तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये increase और rise के बाद में ये preposition in का इस्तेमाल किया। और इसी तरह से जब ये चीज़ इसके अंदर reduction होगी या fall आएगा तो उस वक्त भी हम in ही इस्तेमाल करेंगे। There's a reduction or fall in the price. तो चाहे इजाफा हो या कमी हो इसके बाद में प्रपोजिशन हमने इन ही इस्तेमाल करनी है। मगर जब वही इजाफा या जो कमी है उसकी अमाउंट वाजे करनी हो तो फिर हम उस वक्त इस डिक्रीज और जो रिडक्शन है या इंक्रीज और जो राइज है उसके बाद में हम ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। मसलन एग्जांपल देखें, देयर्स एन इंक्रीज और राइज of 100 rupees. तो यहाँ पर ये अमाउंट दे दी गई तो इसलिए अमाउंट को वाजे करने के लिए हमने इस इंक्रीज और राइज के बाद में of का इस्तेमाल करना है। और दूसरी एग्जाम्पल देखें, there's a reduction or fall of 3%. तो यहाँ पर भी ये अमाउंट है एक 3% की, तो उससे पहले हमने of का इस्तेमाल कर लिया। अब अगले हिस्से में हम एक और कैटेगरी के नाउन्स देखते हैं कि ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि नीड, विश या कोई जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है उन नाउन्स की जो कि ये मीनिंग देते हैं, नीड, विश या फिर रिक्वेस्ट का मीनिंग वो देते हैं। तो इन सब के लिए हम फॉर की प्रपोजिशन इनके बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिस्ट आपने याद रखनी है और जब कभी भी आप इनका इस्तेमाल करें तो आपने इनके बाद में प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करना है। तो ये वो कौन से वर्ड्स हैं तो हम इन नाउन्स को अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एपेटाइट, भूख जिसका मतलब होता है, तो लिहाजा ये भूख जो है आपको लगती है तो वो आपकी कोई नीड को वाजे करती है। इसी तरह से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद में भी आपने फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। तो एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक रिक्वेस्ट होती है किसी काम के करने के हवाले से। उसके बाद में डिमांड देखें तो डिमांड के बाद में भी आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से डिज़ायर है, इसके बाद में भी फॉर, नीड के बाद में भी फॉर, ऑर्डर के बाद में भी फॉर, प्रेफरेंस के बाद में भी फॉर की प्रपोजिशन, रिक्वेस्ट के बाद में भी फॉर की प्रपोजिशन, टेस्ट के बाद में भी फॉर की प्रपोजिशन और इसी तरह से विश इसके बाद में भी आपने प्रपोजिशन फॉर को इस्तेमाल करना है। तो ये वो सारे नाउन्स हैं जिनके बाद में आप फॉर ये प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में से कोई भी नाउन जिसका आप इस्तेमाल करें तो उसके बाद में हमेशा आपने प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करना है। और ये सारे के सारे नाउन जो हैं, ऑल दीज नाउन्स मीन नीड, विश और रिक्वेस्ट। तो लिहाजा इस तरह से आज की वीडियो में हमने नाउन प्लस प्रपोजिशन की एसोसिएशन के हवाले से फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर किए हैं कि कुछ सर्टन किस्म के नाउन हैं
उनका इस्तेमाल हम किन प्रपोजिशंस के साथ जो है वो करते हैं। तो आई होप आप इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।